हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुष्का फ्रॉम राजकुमारी ड्रेस अप लाइक अ प्रिंसेस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी को हमारा लास्ट वाला वीडियो पसंद आया होगा, दैट इज अनारकलीज अंडर 999। तो आज हम आए हैं विद द न्यू वीडियो। नाम से तो आप सभी को समझ आ गया होगा दैट इट इज ऑल अबाउट वेडिंग ड्रेसेस, और आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस, एंड दीज आर ऑल द ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू योर वेडिंग सेरेमनीज। जैसे कि हमारी जो वेडिंग में फंक्शंस होते हैं, हल्दी, मेहंदी, एंगेजमेंट, तो ये सारे उस टाइप की ड्रेसेस मैंने अपने कलेक्शन में लगाई हुई हैं। एंड आई विल बी टेलिंग यू वन बाय वन कि कौन सी ड्रेस कौन से ओकेजन पे बहुत ही अच्छी लगेगी। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आउटफिट, जो कि स्पेशली मेड फॉर रोका सेरेमनी है। एंड यू कैन सी ये बहुत ही प्यारी सी कलर में एक अनारकली है इन वाइन कलर, एंड इसमें बहुत ही सिंपल सुपर स्लीक सा वर्क हो रखा है। यू कैन सी सीक्वेंस का वर्क है यहाँ पे, एंड देयर इज दुपट्टा एज वेल। दुपट्टे में भी वही सेम सीक्वेंस का वर्क हो रखा है, एंड देयर इज दिस अ लॉट ऑफ फ्लेयर, एंड दिस वन इज परफेक्ट फॉर रोका सेरेमनी। एंड इस तरीके के बहुत सारे अनारकलीज आपको मिल जाएंगे ऑन आवर वेबसाइट, दैट इज www.rajkumari.co, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में अनारकलीज का लिंक भी दे दूंगी ताकि आपको कोई भी अनारकली परचेज करना हो तो आप डायरेक्ट उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है एंगेजमेंट की बारी। तो एंगेजमेंट के लिए देयर इज दिस परफेक्ट गाउन फॉर एंगेजमेंट सेरेमनी। यू कैन सी बहुत ही प्यारा सा इसमें वर्क हो रखा है, एंड इट इज बेसिकली अ मरमेड गाउन, एंड यू कैन सी बहुत ही सुंदर सा वर्क है इसमें, और ये मरमेड गाउन है पूरा। इसको टू एंड वन तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो प्लेन गाउन ही यूज कर सकते हो, और साथ में इसकी जो ट्रेल दी हुई है, अगर आप चाहो तो ये ट्रेल भी यूज कर सकते हो। ट्रेल के साथ ही बहुत ही सुंदर सा प्रिंसेस वाला लुक देता है ये ट्रेल आएगी साथ में। देयर इज अ बिग ट्रेल इन दिस। कभी कभी क्या होता है कि फैमिली बॉय ट्रेडिशनल होती है, तो गाउन अगर पहनना अलाउ नहीं करते हैं, देन देयर इज अ लहंगा सेट एज वेल। सो दिस वन इज अ वेरी प्रिटी फुली एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा। यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेयर इन दिस लहंगा, एंड इतना हैवी है कि वैसे पकड़ा तो जा नहीं रहा, ये पूरा फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। यू कैन सी बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर बना हुआ है ये, एंड देयर इज दिस प्रिटी मिरर एंड स्टोन वर्क ऑल ओवर द लहंगा। यहाँ पे पूरा सीक्वेंस का काम हो रखा है, एंड इट इज इन वेरी प्रिटी कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड स्काई ब्लू। ये बेबी ब्लू कलर है, एंड मैजेंटा पिंक इसके साथ बहुत ही प्यारा सा जा रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है एंगेजमेंट सेरेमनीज वगैरह पे। एंड यू कैन सी बहुत ही हैवी दुपट्टा दिया हुआ है हमने, तो इट विल लुक वेरी ग्रैंड। दिस इज द दुपट्टा, फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, एंड इसमें बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर है दुपट्टे का, आप पास से देख सकते हैं। There is this pretty mirror and stone work all over the dupatta. तो ये overall बहुत ही grand लहंगा लगेगा when you wear it on your engagement ceremony. Engagement के बाद जो आता है that is pre-wedding shoot. तो आजकल तो सारी लड़कियां pre-wedding shoot कराती हैं, and they opt for very pretty grand dresses like this. So you can see it is a very pretty trail dress, and इसमें बहुत ही प्यारा सा ये stone work हो रखा है the yoke part, and ये ड्रेपिंग दे रखी है हमने, एंड देयर इज दिस ह्यूज फ्लेयर, बहुत ही प्यारा सा फ्लेयर है इसका, एंड यू कैन सी द ट्रेल, देयर इज दिस हैवी ट्रेल एट द बैक साइड। तो आजकल प्री वेडिंग में बहुत ही क्रेज है प्री वेडिंग का, तो इस तरीके के गाउन्स बहुत आते हैं प्री वेडिंग पर्पज के लिए यूज। इसके अलावा एक और हमारे पास प्री वेडिंग के पर्पज का गाउन है, लेट मी शो यू हाउ प्रिटी इट इज। इसमें अपर पार्ट पे यू कैन सी पूरा ये 3D फ्लावर का वर्क हो रखा है, एंड इट इज ऑल्सो ड्रेप्ड एट द योक पार्ट। स्टमक पे देर इज दिस ट्रांसपेरेंट एरिया, एंड देन देर इज दिस ह्यूज फ्लेयर इन दिस गाउन एज वेल। ये थोड़ा आपका हाई लो पैटर्न पे आता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस क्रिस क्रॉस पैटर्न एट द बैक साइड। ये पूरा आपको प्रिंसेस लुक देता है, एंड बहुत ही प्यारा है। इसमें भी ये ट्रेल है, ट्रेल आएगी, यू कैन सी बहुत ही सुंदर सी ट्रेल आएगी, एंड ये हाई लो पैटर्न पे है, तो इसका जो फ्रंट आता है दैट इज स्टिल नी लेंथ, इस तरीके का नी लेंथ तक का इसका फ्रिल आता है आगे का, एंड देन देयर इज दिस फ्लेयर एट द बैक साइड। मुझे ये बहुत ही क्लासिक लगता है, एंड बहुत ही सुंदर सा गाउन है ये। इसके अलावा अगर आप बहुत हैवी पे नहीं जाना चाह रहे हैं, एंड एक सिंपल सोबर सा गाउन पहनना चाह रहे हैं आपके प्री वेडिंग सूट में, तो यू कैन गो फॉर दिस वन एज वेल। ये बहुत ही प्यारा सा पार्टी आउटफिट है, एंड इसमें यू कैन सी पूरा योक पार्ट जो है इसका दैट इज हैंड एम्ब्रॉयडर्ड, एंड इसमें बेल्ट आएगी, बेल्ट इज ऑल्सो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड, बहुत ही प्यारा सा पर्ल्स एंड सीक्वेंस का वर्क हो रखा है, और बहुत ही क्लासी लगता है ये। देन देयर इज दिस फ्लेयर, फ्लेयर में भी पूरा यू कैन सी वो पर्ल का वर्क हो रखा है फ्लेयर में, एंड दिस इज द बैक साइड। बैक पे वही जो बेल्ट है उसका नॉट बना सकते हो, तो ओवरऑल इट विल गिव यू अ प्रिंसेस वाइब व्हेन यू विल वेयर। तो अब आपका एंगेजमेंट हो गया, प्री वेडिंग हो गया, अब बारी आती है आपके वेडिंग के ड्रेसेस की।
वेडिंग से पहले होता है आपका हल्दी, देन आता है मेहंदी. तो देर आर स्पेसिफिक ड्रेसेस फॉर हल्दी एंड मेहंदी सेरेमनी. हल्दी का जो ड्रेसेस आजकल लड़कियां ऑप्ट करती हैं वो बेसिकली या तो येलो कलर में होता है या मल्टी कलर होता है. तो ये है साड़ी का बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज. यू कैन सी पूरा मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी है इसमें, मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी विद दिस मिरर वर्क जो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है. एंड यू कैन सी इसमें जो लटकन लगे हुए हैं दोज आर वेरी कलरफुल प्यारे से लटकन. तो दिस इज द बैक साइड ऑफ द ब्लाउज. तो बहुत ही क्लासी लुक आता है इस ब्लाउज का. एंड इसके साथ जो हमने ली हुई है दैट इज येलो कलर की साड़ी. और ये साड़ी बहुत ही प्यारी सी ड्रेप साड़ी है और इसका बहुत ही सुंदर सा लुक आता है. आई अटैच द पिक्चर साइड में ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस तरीके की साड़ी है. इस तरीके की काफी सारी साड़ीज आपको मिल जाएंगी राजकुमारी की वेबसाइट पर. आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट आपको अगर इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो, कोई भी साड़ी आपको परचेज करनी है, ट्रेडिशनल साड़ी और बी इट इंडो वेस्टर्न साड़ी, यू कैन परचेज थ्रू दैट लिंक. सो नेक्स्ट आते हैं हम मेहंदी सेरेमनी पे. तो यू कैन सी कितना प्यारा ये सूट है. दिस वन इज इन बॉटल ग्रीन कलर विच इज परफेक्ट फॉर मेहंदी सेरेमनी. और इसका जो सरारा आएगा दैट इज इन मैजेंटा पिंक कलर. तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा. अगर आपको भी ये कॉम्बिनेशन पसंद आया है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड दिस इज द ब्लाउज यू कैन सी और यू कैन सी द शॉर्ट कुर्ती. दिस इज द शॉर्ट कुर्ती और इसमें ऊपर जो फैब्रिक है दैट इज इन दैट इज वेलवेट फैब्रिक. एंड दिस वन इज ऑल्सो पैडेड एंड यू कैन सी देयर इज अ प्रीटी फ्लेयर इन दिस वन. ये बैक साइड है एंड दीज आर द प्रीटी लटकन्स. दिस इज द सरारा. सरारे में भी यू कैन सी कितना सारा फ्लेयर है एंड ये बहुत ही प्यारा लगता है पहनने पे. एंड इसमें भी गोल्डन कलर का ये वर्क हो रखा है ऑल ओवर द सरारा एंड देयर इज दिस प्रीटी फ्लेयर. इसका दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा सा बॉटल ग्रीन कलर का जॉर्जेट का दुपट्टा है. तो इस तरीके का बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल है फॉर मेहंदी एंड फॉर हल्दी. अगर आप चाहो तो हल्दी और मेहंदी के लिए कलरफुल ड्रेसेस परचेज करना चाहो तो कलरफुल ड्रेसेस भी परचेज कर सकते हैं. दिस इज जस्ट एन ऑप्शन कि आप किस तरीके का आउटफिट्स पहन सकते हैं. अदरवाइज आप चाहो तो शरारा की जगह अनारकली ऑप्ट कर सकते हैं या अगर चाहो तो कोई लहंगा भी पहन सकते हैं इन ग्रीन कलर और इन मल्टी कलर. तो अब हमारा हल्दी मेहंदी तो हो गया. इसके बाद बारी आती है हमारे कॉकटेल या संगीत की. तो कॉकटेल के टाइप का हमारे पास एक बहुत ही ग्रैंड आउटफिट है. ज्यादातर कॉकटेल्स में लोग ब्लिंगी आउटफिट्स पहनना पसंद करते हैं. सो दिस वन इज परफेक्ट फॉर योर कॉकटेल पार्टी. यू कैन सी कितना ब्लिंगी और कितना प्यारा सा आउटफिट है ये. तो दिस वन इज इन ऑल ओवर गोल्डन कलर एंड बहुत ही सुंदर सा इसको ड्रेप किया हुआ है एंड बहुत ही प्यारा सा इसमें फैब्रिक यूज किया हुआ है. एंड इट इज इन वन शोल्डर पैटर्न एंड इसमें ये पीछे ट्रेल आएगी. दिस इज द ट्रेल एट द बैक साइड जो कि इस गाउन को बहुत ही क्लासी लुक देता है. This is the trail at the back side and this is the front side of the gown. तो ये बहुत ही क्लासी लुक देता है. तो ये तो हो गई आपकी कॉकटेल की बात. अब आप देख सकते हैं अपने संगीत के लिए कुछ ड्रेसेस. This one is perfect for a संगीत सेरेमनी. इसमें बहुत ही सुंदर सा यू किसी ब्लाउज दिया हुआ है एंड एट द वेस्ट साइड वी हैव गिवन दिस ब्यूटिफुल पर्ल वर्क. और यहाँ से बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है ये. एंड दिस इज द स्लीव पैटर्न. एक साइड आपका स्लीवलेस पैटर्न आएगा एंड वन साइड दिस विल बी अ इलोंगेटेड स्लीव. So this is the blouse. So this skirt is perfect for Sangeet ceremony as there is a lot of flare in this skirt. मैं दिखा भी नहीं सकती. There is this much flare. तो इस टाइप के outfits dance करने में बहुत ही प्यारे लगते हैं. That's why this one is perfect for Sangeet ceremony. Now सारे functions हो चुके हैं हमारे. हल्दी मेहंदी engagement and everything is finalized. Let's come to the biggest occasion. So this lehenga is perfect for your big day and you can see. आजकल जैसे आप लोग देख रहे होंगे ज्यादातर ब्राइड्स मरून के लिए नहीं ऑप्ट करते हैं. दे वांट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट शेड्स. तो दिस वन इज परफेक्ट फॉर दोज ब्राइड्स जो कि बेसिकली मरून रेड या मैजेंटा पिंक कलर कॉम्बिनेशन में नहीं जाना चाहती. दिस वन इज इन ब्लू कलर एंड दिस द फैब्रिक इज शैम्ब्रिक एंड इसमें पूरा ओवरऑल बहुत ही प्यारा सा वर्क हो रखा है. यू कैन सी ब्लाउज आपका पूरा फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड आएगा एंड इट विल गिव यू दिस ऑफ शोल्डर लुक एज वेल. बहुत ही क्लासी सा पैटर्न है इसका. यू कैन सी दिस इज द दुपट्टा. मरून के साथ हमने ब्लू को कंबाइन किया है. दैट लुक्स वेरी प्रिटी. दिस इज द दुपट्टा एंड इसके साथ जो लहंगे की डिटेल्स हैं यू कैन सी द डिटेल्स क्लोजली. बहुत ही प्यारा सा इसमें अप्लीक वर्क हो रखा है पूरे लहंगे पे जो कि बहुत ही क्लासी बनाता है आपके लहंगे को. सो दिस लहंगा इज परफेक्ट फॉर योर बिग डे. अगर आप नहीं जाना चाहते हैं किसी अलग कलर में एंड आपको मरून या रेड या उस तरीके के कुछ कलर्स पहनने हैं देन वी हैव वन मोर ऑप्शन फॉर यू. दिस मरून कलर लहंगा यू कैन सी कितना प्यारा वर्क हो रखा है इसमें एंड देयर इज दिस प्रिटी फ्लेयर. एंड इसके साथ वी हैव टू ऑप्शंस ऑफ ब्लाउज. वन इज दिस स्लीवलेस ब्लाउज आएगा विद दिस पर्ल्स एट द स्लीव्स. इस तरीके के पर्ल्स आएंगे स्लीव्स पे एंड दिस इज द वन. दिस इज द फर्स्ट ब्लाउज
तो एक और ब्लाउज का हमने ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज विद दिस नेक फ्लेयर एंड इसमें स्लीव्स भी आएंगी साथ में एंड बहुत ही प्यारे से लटकन एंड द बैक साइड। एंड दिस इज द दुपट्टा, दिस इज द वेरी प्रिटी पीच एंड मरून कलर दुपट्टा जो कि आप कैरी कर सकते हैं इस लहंगे के साथ। सो दिस वन लुक्स वेरी प्रिटी एंड वेरी सोबर। तो ये था हमारा आज का पूरा वेडिंग कलेक्शन। आई होप आप सभी को हमारे ड्रेसेस पसंद आए होंगे। आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको इनमें से कोई भी ड्रेस अगर पसंद आती है तो यू कैन डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द वेबसाइट। बाकी आपको हमारी कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद आई इनमें से या कौन सा कलेक्शन हमारा सबसे ज्यादा पसंद आया प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स ताकि हम इसी तरीके का और भी कलेक्शन आपके लिए लेके आते रहे इन आर यूट्यूब वीडियोज। एंड अगर आपको ये कलेक्शन पसंद आया है देन प्लीज गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट अस नो इन द कॉमेंट्स कि आपको कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद आई। फिर मिलते हैं विद अ न्यू कलेक्शन एंड विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।